सर फिर उन्होंने पंचम वेद फिर उन्होंने महाभारत बनाया, क्योंकि स्त्री सूत्रों को वेद में अधिकार नहीं। लेकिन ये सारे ग्रंथ, लेकिन तुमने जो ग्रंथ बनाया है ना, अगर ये ग्रंथ को जो पढ़ेगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि ये शिव पुराण, अगर शिव पुराण कोई पढ़ लेना बोले सत्यम शिवम सुंदर शंकर सब कुछ, फिर और किसी को भक्ति नहीं करेगा। अगर कोई देवी पुराण को पढ़ लेगा बोले देवी जगदम्बा देवी सारा दुनिया को ही सृष्टि, उनसे बड़े कोई नहीं। जो श्री गणेश जी की महिमा पढ़ लेगा भैया भैया सबसे पहले उनकी पूजा होनी चाहिए। जो पढ़ लेगा ब्रह्मा की ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मा ब्रह्मा ही सृष्टि कर रहा है, बोले तुमने जो ग्रंथ लिख लिया अगर कोई पढ़ेगा ना भविष्य में लड़ाई करेगा सर, कोई बोला शिव पढ़ा कोई बोलेगा देवी पढ़ा कोई बोलेगा हनुमान पढ़ा कोई बोले कृष्ण, क्या बोले लड़ाई झगड़ा तुमने करवाया अभी कुछ नहीं करवाया। इसलिए तुम अभी ग्रंथ ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखो जिसमें केवल शुद्ध रूप में इधर किसी देवा देवी का कोई नाम नहीं, केवल भगवान और उनकी भक्तों का ही महिमा गाओ, क्योंकि जो जीव है भगवान की ही संतान, इसलिए उसका कर्तव्य भगवान को प्रेम करना है, इसलिए उनकी भक्त और उनकी कृष्ण की भगवान उनके अवतारों की कथा सुनो, इसी में ही जीव को परम शांति मिलेगा और किसी से जीव को शांति नहीं मिलेगी। देखो भले ही इतने सुंदर सुंदर अलंकार क्यों नहीं हो, संतों को अगर उसमें ठाकुर जी की कथा नहीं हो ना ये संतों को अच्छा नहीं लगता, टूटी फूटी बात हो, लेकिन भगवान की कथा हो प्रेम हो संत को प्यारा लगता है। इसलिए तुमने ये लिखा भगवान कैसे परमेश्वर होते हुए भी ब्रजवासियों को प्रेम में कैसे बंध गए, तुमने लिखा कैसे रास रचा लिखा, बोले नहीं पुत्र को आनंद कैसे फिर मिलेगा। इसलिए भागवत में इस ब्रजवासियों की प्रेम भगवान शुद्ध भक्तों का कथा लिखो तुमको शांति मिलेगा। फिर नारद जी अपना कथा सुनाए, बोले सुनो मैं अपना कथा सुनाता, मेरे को जीवन में इतने बड़े सक्सेसफुल कैसे मिला, इतने बड़े साधु में से कैसे बन गया, वो अपना अनुभूति की बात बताए। बल एक समय मेरा जो जन्म साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, मेरी भैया दूसरे घर में काम काज करके पैसा रोजगार करके मेरे को पालन कर दी। एक दिन चातुर्मास की महिमा चातुर्मास की महिना था, कुछ संतो हमारा गांव में घूमते घूमते आए, संतो जब संत लोग बैठ गए हरी चर्चा करते थे मैं भी बैठ गई कथा सुनता था संतों को साथ में, ये एक विशेष गुण मेरे परिचय थी। अब दूसरा गुण की क्या थी, ज्यादा नहीं बोलता था, देखो ज्यादा बोलना कभी कभी गड़बड़ी होता है, हाँ ज्यादा बोलो भगवान का नाम लो कीर्तन करो, लेकिन ज्यादा और कोई दुनिया की ज्यादा बात करोगे ना फिर देखना लड़ाई झगड़े का काम करता है। देखो सुखो गोस्वामी कहते हैं हमारा सारा शरीर में हड्डी है, जैसे अंगुल में हड्डी देखना अंगुल सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी में बैठा हुआ, पैर में हड्डी इसलिए चलते हैं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, बता सकते हो किसी बात, हाँ इसलिए लपर लपर करता रहता है, इसलिए जितने झगड़ा का कारण ये जीवा है, ये महाभारत की हुआ जीवा की वजह से। द्रौपदी केवल इतनी सी बात बोलती अंधा का बेटा अंधा हो गया, महाभारत हो गया दुर्योधन ने का अंधा का बेटा अंधा है, मजा चकाऊंगा भरी सभा में विभस्त्र करने के लिए कोशिश की, पर ये रामायण क्यों हुआ है, इसलिए सीता की वजह से। सीता इतनी सी बात बोल दी लक्ष्मण को, जिस समय मारी जी ने हिरण बन करके आ रही, सीता ने बोले मेरे को पकड़ करके ला दो, वो राम चले गए, बोले लक्ष्मण सीता को छोड़कर नहीं जाना, लेकिन वो तो हिरण नहीं वो था मारी, जब भगवान राम ने बाण मारे बड़ी जोर से चीखा भैया लक्ष्मण बचाओ, भैया सीता ने बोला लक्ष्मण तुमने सुन लिया राम को विपत्ति, जल्दी जल्दी जाओ, बोले नहीं भैया मेरे को ना आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, प्रभु का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, बताए ना भगवान इतने इतने में सीता ने एक बात बोल दी, बोले हाँ अभी मैं समझ रही हूँ तू क्यों आया था साथ में, तू सोचते हो राम मरेगा और तू मेरे से शादी करोगे। लक्ष्मण तो माँ सीता को माँ समझती है, अगर वो माँ अगर ऐसे बेटा बेटा को बोले तो कैसे सहन कर सकते। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा को काटे, बोले खबरदार इसको पार नहीं करना, सीता ने दो गलती किया है, पहला गलती तो ये कि ये जीवा से गलत शब्द बोली और दूसरे चीज उन्होंने लक्ष्मण रेखा को काट दिया। यहाँ शिक्षा देते हैं माताओं को ये दो काम नहीं करनी चाहिए, पहला चीज तो ये जीवा को लपर लपर करके बंद कर दो,
तेना घर में जितने लड़ाई है जीवा लगाता है, कुछ हुआ ही नहीं, केवल जीवा केवल थोड़ी सी स्लीप कर गया, उसने हमें ऐसे लगाता है। हाँ हम दिखाएंगे, देखना भाई भाई में, बहु बहु में, परिवार में, पूरा महाभारत ये जुड़ा करा देती है। इसलिए कहते स्त्री हमको मना करती है, द्रौपदी ने यही गलती की और श्री सीता भी यही गलती करती है। ऐसे देखना इसलिए घर घर में इसलिए महाभारत तेरे कभी भी जुड़ा को लपर लपर नहीं करना, ठीक है। दूसरे चीज करना, हाँ ज्यादा बोलना है माला लो, 1 लाख खरीदना करना। इसलिए महाप्रभु इसलिए बोले महाप्रभु लखपति बनो, ज्यादा बोलना है ना माला लेकर दिन भर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम के पास लड्डू ही लड्डू है। इसलिए ये चूहा बड़े और माता को बताए खबरदार, ये जो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना, माता को मना करती, मतलब कभी अपना मर्यादा को त्याग नहीं देना, नहीं तो रावण आकर उठा कर ले जाएगा। सावधान रहनी चाहिए, ये सब सिख्या देते हैं, रावण हमें उठा कर ले जाएगी। अगर हम अपना मर्यादा को भंग हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, मना करती है यहाँ पर माता सीता। इसलिए यहाँ पर इसलिए ये सब सिख्या यहाँ पर प्रदान करती है, बोले श्री वृंदावन बिहारी। नारद जी कहते हैं मेरे अंदर में 2 गुण रहने का नाते ये संत लोग मेरे को दिखाते हैं। पहला गुण क्या होनी चाहिए, जब हरी चर्चा हरी कीर्तन हो कभी खेल कूद मत करो, वहां बैठो भगवान के भजन करो कीर्तन करो वहां बैठो। दूसरी चीज क्या करो, ज्यादा बोलना नहीं इधर उधर की, नहीं तो क्या इसकी निंदा होगा फिर अपराध होगी है। इसलिए कहते हैं ये मेरे अंदर में ये 2 गुण देख करके संत मेरे ऊपर में कृपा की, मेरे ऊपर उनकी दया आई। बाप 5 साल का बच्चा कथा कीर्तन में छोड़ कर नहीं जाता है और मेरे को आदेश देते थे, देख कर कितने श्रद्धा बेटा जाने फूल ले आ, मैं दौड़ छोटा बच्चा है ना, दौड़ गया फूल तोड़ कर बेटा थोड़ा चंदन घिस दो, ठाकुर चंदन घिस दो बेटा थोड़ा हमारे कपड़ा धो दो। नारद जी कहते हैं मेरे ऊपर जो इतना जल्दी कृपा हुई ना, केवल संत की सेवा से, केवल संत सेवा से इतने हमारे ऊपर भी कृपा हो गई है। शिक्षा देते हैं अगर कृपा बनना चाहे तो संत सेवा से जल्दी कृपा मिलती है। जब 4 महीना खत्म हो गया संत लोग जाने के लिए तैयारी हुए, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था संत सेने में, क्यों दुनिया की कोई चर्चा नहीं प्रभु की चर्चा है, प्रभु की चर्चा में इतने रस, देखो जैसे हम लोग यहाँ आते हो 2-2 3 3 घंटा बैठते हो, दुनिया की सारी कथा वहां घूम कर बैठते हैं, केवल यहाँ से बोले पार हो जाए, घर से दीवार पार हो संसार का सारी बोझ सर पर आएगा, आज ये होने वाले ये होने वाले ये होने वाले, लेकिन यहाँ बैठे हो दुनिया की कोई बात नहीं आ रही, प्रभु की बात नहीं आ रही। जब मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता था जब संतलों को जाने के लिए तैयारी हुए, बोले मेरे को भी साथ में ले चलो, लेकिन मेरी भैया जी अकेला बैठा था, भैया मुझे जाने नहीं दी। संत लोग बोले बेटा एक मंत्र तुम्हें देकर जा रहा है, इसलिए ये मंत्र को तुम जप करते रहना है, इसी से इसमें भगवत प्राप्ति होगी। जब संत लोग चले गए, एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था, मेरी भैया ने गई थी गैया दोहन करने के लिए, एक जहरीले सर्प को पर प्यार बढ़ते ही सांप ने मेरी भैया को काट दिया। किसने कहा, नारद जी तेरे भैया की देहांत हो गया, दुखी भी हुआ फिर खुश भी हुआ, अभी हमें रुकने वाले कोई नहीं, अब तो हम भजन करने के लिए जा सकता हूँ, तो भजन करने के लिए निकल पड़ा। कल भगवान बड़े परीक्षा भी लेते हैं, बड़ी परीक्षा लेते हैं भजन में। मैं जब जा रहा था ना, दो सेठ सेठानी अथा संपत्ति, लेकिन घर में कोई बेटा नहीं, देखा बड़ा सुंदर बच्चा अकेला, बोले बेटा एक बार हमें पिता माता बोल दे हमारी सारी संपत्ति का तू मालिक बन जा, कोई औलाद नहीं, बोले बैठूंगा तो ठाकुर की गोद में बैठूंगा और किसी की गोद में नहीं बैठूंगा। थोड़ी दूर गया कि राज्य में राजा नहीं, हाथी सोने का कलश लेकर घूम रहा था, जिसका सर पर पानी डालेगा वही राजा बनेगा, मेरे ऊपर डाल दिया, बोले हमारे देश का राजा उसका भी मैंने त्याग दी, क्योंकि जहाँ पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सर, उसको पर सब कृपा होती है। आगे चले, बोले सोने की खान हमने देखा उसकी मोहर त्याग दी, घोर जंगल में प्रवेश किया, बड़ा सुंदर सरोवर, कमल फूल खिले हुए, बड़ी सुंदर पानी, मीठी मीठी पानी, पेट भर करके पानी पिया, स्नान किया और गुरु जी का दिया हुआ मंत्र को मैंने जप की,
मंत्र जप करते 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 जब हृदय मेरी पवित्र हो गई, भगवान का ये झलक दर्शन मिला। भगवान का दर्शन में इतने आनंद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, कहते कृष्ण प्रेमानंद चे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नय तारे के बिंदु। मतलब है कृष्ण प्रेम समुद्र जैसे, एक बूंद का रस का आस्वादन में इतने आनंद है, करोड़ ब्रह्मानंद मिल करके उसको साथ में बराबर कर ही नहीं सकते। इतने आनंद कृष्ण भक्ति रस में, जब मैंने भगवत दर्शन किया भावावस्था में, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं ये भावावस्था है, प्रेमावस्था में डायरेक्ट दर्शन है। केवल यहाँ के झलक बोले कब होता है, बोले भावावस्था में। बोले भावावस्था में क्या होता है, तो उसने बताया कभी कभी उसको ऐसे लगेगा माना भगवान आए और हमें अपना अधरा हृदय चला कर जाए, वो अपना होंठ को चाटने लग जाएगा, हमको किसने ये अमृत मिलाया। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा ठाकुर जी आए और उसको स्पर्श करके गए, उसको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा ठाकुर जी की मीठी मीठी दर्शन की आवाज कहीं आ रहा है, कान को खड़े कर देगा कहाँ से ही मीठी आवाज आ रही। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा ठाकुर जी की चरण की जन नुपुर का चम 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 आवाज कभी कभी सुनने को मिलेगा। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए, इतने उनको शरीर में ज्योति प्रकाश है जैसे आग को चकाचौंध कर देता। ये सब लक्षण है। उन्होंने ठाकुर जी केवल एक झलक दर्शन दिए और मेरा आंख तो प्रेम में भर आया, ठाकुर जी अंदर धर मैं तो रोने लग गया। बोले ठाकुर जी दर्शन नहीं देते फिर दर्शन एक झलक क्यों दिए। उदाहरण दिया जैसे जेठ की महीना बड़ी गर्मी है, तप तप आई हुई गर्मी, आप धूप से आ रहे हो, खूब फटते जा रहे हैं प्यास से। एक व्यक्ति ने क्या किया, बड़े सुंदर है पानी, उसमें नींबू, उसमें मिश्री, गुलाब का थोड़ी जल दे करके बड़ा सुंदर एक गिलास शरबत लाया, आपको एक घूट पिला करके निकाल दिया। अब क्या बोलो, बोले भैया पिलाना नहीं तो पिलाते नहीं, तो फिर एक घूट पिला करके तुमने निकाल क्यों दिए हो। क्या उसी तरह जब मैंने दर्शन मिले, बोले ठाकुर जी नहीं देते तो दर्शन नहीं देते, फिर एक झलक देकर अंदर ध्यान क्यों हुए। आकाशवाणी की नारद जी अभिभक्त को बसाया ना दुर्दश अहम कुछ बिना। मतलब है अभी तुम्हारी अंदर में कुछ कसा है, मतलब कुछ अनर्थ है, अभी पूरी तुम्हारी हृदय के अनर्थ दुर्गे हुई, इसलिए तेरे को ये झलक दर्शन दिया केवल उत्कंठा को बढ़ाने के लिए। इस जीवन में और नहीं मिलेगा, तुमको अगले जीवन में मिलेगा। नारद जी कहते हैं अरे मैंने ब्रह्मा का पुत्र बन करके जन्म हुआ, गिरिराज तले की विभा पर नारद बोलते हैं, उनमें गिरिराज को आश्रय करते हुए भगवान की जब मैंने भजन की, जब हृदय की सारी अनर्थ दूर हो गई, भगवान का दिव्य रास मुझे दर्शन मिला, बड़े सुंदर ठाकुर जी के रास रचा के मुझे दर्शन मिला, फिर राधा रानी कृपा करके अपना प्रसाद वीणा में दी। जब जब मैंने वीणा में ठाकुर जी का नाम लिखा हूँ ना, ठाकुर जी तो भाग भाग करके दौड़ कर आते हैं और हमें दर्शन देते हैं, और जहाँ चाहता हूँ जैसे हमारा मन जितने तेज में हमारा मन गति करता है, जैसे हम अमेरिका बहुत झट में चला गया, उनका शरीर उतना तेज से गमन करता है, सर्वत्र वैकुंठ गोलोक वृंदावन जहाँ चाहता हूँ वहीं पर जाता हूँ और बिना बजाते हुए ठाकुर जी की नाम लेता हूँ। इसलिए हमारे एक भक्ति विनोद ठाकुर हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर कीर्तन लिखा, देखिए वो कीर्तन बंगला कीर्तन है, अब दो लाइन गाता हूँ। बोले नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे, नारद मुनि बजाए बिना राधिका Yeah.
चंद्रमा तो साथ उसको मंडल भी दिखेगी, उसको साथ में तारे भी दिखेगी,
फिर पूरा आकाश भी दिखेगा। ठीक उसी तरह पूर्णंग मतलब संपूर्ण कुलभ वृंदावन को दर्शन किया, सारे सखा सखी उनकी रास, उनकी सारे मखन कैसे चुरा रहे हैं, कैसे कृष्ण रास रचा रहे हैं, कैसे घर घर में कृष्ण नटखट कर रहे, सारे लीला को मैंने दर्शन किया। दर्शन करते हुए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को बनाया। बोले ग्रंथ तो बड़ा सुंदर हो गया, लेकिन बनाया मैंने जिनके लिए भैया वो नहीं, बोले कौन? बोले श्री बेटा श्री सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि ये जन्म से ही ये ब्रह्म ज्ञान करके जगत में चले गए। कहते श्री व्यास देव के चार ही चेले थे। बोले चलो, मेरा एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, उसको ला सकते हो? बोले गुरु जी जंगल में बहुत सारे तोते हैं, आपका तोता हमें क्या पता? बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुमको चार मंत्र सिखाता हूँ, ये मंत्र सुन करके जो तोता पकड़े में आया ना, समझना ये मेरे तोता है। उन्होंने चारों को उन्हें चार मंत्र सिखा दिया। जो पहला चेले को जो मंत्र सिखाया, ये कृष्ण कितने सुंदर है, उनको पहला चेले को वो श्लोक कौन बोल रही है? बोले प्रेम गीते में श्री राधा रानी ये श्लोक को बोलती है। बोले बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत पास कनक कपिसयम वैजयन्ति च मालम रंध्राण वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तद गीत मतलब कृष्ण कितने सुंदर है। उन्होंने पहला चले को ये पहला श्लोक सिखा दिया। कृष्ण कैसे सुंदर है? बोले बरहा पीड़म मयूरपंख क्यों लगाए? उसका पांच कारण बताए कृष्ण मयूरपंख क्यों लगाते हैं। पहला कारण ये मयूर ब्रह्मचारी, कभी पत्नी का संग नहीं करता है, अब ब्रह्मचारी भगवान थोड़ा प्यारा है इसलिए लगाए। दूसरा कारण कभी राधा रानी मयूर कुटी श्री परसाना में कभी राधा कृष्ण दोनों मयूरी बन करके मयूरी बन करके कभी नृत्य किए थे, इसलिए राधा जी की स्मृति के लिए उन्होंने मयूर पंख लगाए। तीसरा कारण है ये मयूर पंख में श्री राधा जी के नाम लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने सर पर लगाए। चतुर्थ कारण बताए, बोले एक दिन कृष्ण बंसुरी बजा रहे, बड़ी मीठी मीठी बंसुरी, कभी ये मयूर का वो नृत्य करता है। जब आकाश में काला मेघ छा जाए और उसमें बिजली चमके और गड़गड़ शब्द हो जाए ना, देखा मयूर तभी पंख खोल कर नृत्य करता है। कृष्ण का रंग कैसे? बोले काला मेघ जैसे, पीताम्बर कैसे? स्थिर बिंदु जैसे, बंसुरी कैसे? जैसे उसमें गड़गड़ शब्द करता है। इतने में तो मयूर पंख खोल करके नाचना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति का जब नृत्य करता है ना, हम खुश हो जाते हैं, क्या करते हैं, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया घुमा घुमा कर उसको देते हैं। इसलिए अभी कृष्ण ने बंसुरी बजाई, मयूर को बड़ा अच्छा लगा, इतने में मयूर नृत्य किए तो सोचा कृष्ण को तो कुछ देनी चाहिए ना। बोले मेरे पास में कुछ है नहीं, पंख है मेरे पास में। उनने पंख को झाड़ दिया तो एक मयूर पंख गिर पड़ा। वो प्रेम का उपहार है, जब कोई व्यक्ति कोई प्रेम का वस्तु देते है ना, बड़े आदर से हम ग्रहण करते हैं, वो प्रेम का उपहार। कृष्ण उठाया मयूर पंख और अपना सर पर लगा दिया, इसलिए मयूर पंख। पंचम कारण बताया, कृष्ण कभी चल रहे थे, देखा मेन रोड के ऊपर में मयूर पंख गिरा हुआ। पंख ने कहा कृष्ण मैंने जिसको पीछे लगा था ना उसने मेरे को त्याग दे दिया, देखो मेरे अवस्था देखो, मैंने रोड मेन रोड में पड़ा हुआ। कृष्ण ने कहा चिंता क्यों करते हो, दुनिया में जिसको कोई नहीं पूछते है ना उसको पूछने वाला मैं हूँ, चिंता मत कर। कृष्ण उठाया और अपने सर पर लगा दी है, क्यों? कृष्ण बड़े दयालु थे। इसलिए बोले बरहा पीड़ा मतलब नटवर बपु, कृष्ण का स्वरूप कैसे तीन जगह से टेढ़े है, नट नहीं, कृष्ण को नटवर बताया। बोले नट कौन है? बोले शंकर जी नटराज है। बोले कृष्ण कौन है? बोले नटवर है। बोले शंकर जी का जो पति, बोले शंकर जी के पति कैसे हो गए? आपको पता है, हम आगे सुनेंगे, कृष्ण जब रास रचा है ना, शंकर जी स्वयं गोपी बन करके प्रभु का रास में आए। शंकर जी गोपी बने, गोपियों का पति कौन है? कृष्ण ही। इसलिए बोले नटवर बपु, बोले कर्णयो कर्णिकारम, बोले दो कान है लेकिन उसमें एक कनियर क्यों लगाते हैं? बोले क्यों, एक क्यों, दो क्यों नहीं लगाते? बोले जब नंद भवन में होता है ना, वो नहीं बता सकते गोपियों को आज मैं किधर जाऊंगा गैया चराने के लिए, आज कहाँ मिलेंगे,
इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, जिधर जाना ना कनियरपुर जानते हो कैसे, कनियरपुर जानते कि नहीं, वो कैसे होता है, इसलिए कृष्ण जिधर जाएंगे ना उधर कान में कनियरपुर लगा देते, कैसे कर देते बोले उधर आ जाएंगे, इसलिए दो कान में एक कनियर भगवान के वस्त्र का रंग कैसे बोले पीला, बोले क्यों पीले रंग क्यों पहनते हैं, बोले राधा रानी का जो रंग है तब तक अंचना पीला रहने, इसलिए वो पीले वस्त्र धारण करते हैं, बोले राधा रानी कौन सा वस्त्र, बोले नील वसना गौरी, वो नील वस्त्र पहनते, बोले क्यों, बोले कृष्ण का रंग पीला, मतलब दोनों दोनों के प्रति प्रेम का अभिव्यक्ति कर रहे हैं, इसलिए विभ्रत वास कनक कपिशयम बोले तीज माला, गले में जो फूलों की माला वो गले से लेकर चरण तक, इसको वैजयंती माला कहते हैं, बोले वैजयंती इसकी विशेषत्व क्या है, बोले कभी पांच रंग के और कभी सात रंग के, बोले पांच रंग के क्यों पहनते हैं, बोले भगवान की भक्ति वो पांच तरह का भक्ति है, वात्सल्य सख्य श्रृंगार और उसमें दास्य और उसे शांत, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, पंच रसों से भगवान की भक्ति की जाती, मानो भगवान पंच रस के भक्तों को अपना हृदय में गले में भगवान धारण किया है, इसलिए बोले वैजयंती च मालां बोले रंध्रान वेणुरधर सुधया, भगवान बजाते हैं क्या, बोले बंसुरी, बोले बंसुरी क्यों बजाते हैं, बोले बंसुरी में दो गुण है इसलिए बंसुरी बजाते, बोले क्या गुण, कृष्ण कहते हैं अगर हमारे अंदर में दो गुण होगा ना भगवान भी हमें बजाना शुरू कर देंगे, बोले पहला गुण कि हम लोग बंसी अंदर में खाली खोला, भगवान कहते तू मेरे पास में आओ ना ऐसे बंसी जैसे तीन को खाली करके आओ, भर करके नहीं, लेकिन पहले से ही हम भर करके आए, काम क्रोध लोग उसे भर करके आते, पर भगवान कैसे बजाएंगे, दूसरा गुण कृष्ण जैसे चाहते ही वो बंसी से वैसे आवाज निकलती है, अगर हमारे अंदर में ऐसे हो जाए ना तो ठाकुर जी हमें भी बजाएंगे, इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती है अगले जीवन में और मैं राधा भी बन कर आऊंगी तो ये बंसुरी बन कर बोले क्यों, बोले देखो ये बंसुरी ने पूर्व जन्म में क्या तपस्या की है, भगवान कभी हाथों में कभी कमर में कभी अधर में इसको छोड़ दे नहीं, कृष्ण गो हम गोपी कृष्ण के अधरामृत में हमारी अधिकार, लेकिन ये बंसी तो अपने अमृता दिखा दिखा करके सारे अधर का रस तो यही चूस रहा है, कृष्ण का अधर कितने सुंदर हाँ? कितने सुंदर बिंब फल जैसे, लेकिन इसने सारे रस को चूस लिया, देखो कृष्ण का अधर कैसे पीला कैसे नीला कैसे बन गया, इसलिए राधा रानी कहती है मैं चलती हूँ वर्णवासी के पास में, मैं पूछूंगा ये बंसी पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया कि बंसुरी बनकर के आए, हम भी ऐसे पुण्य करके बंसुरी बनकर के आओ, और देखो कृष्ण क्या सौभाग्य देते हैं, बंसुरी कैसे बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं बंसुरी, इसलिए गोपियां कहती हैं देखो जैसे किसी राजा महाराजा की सेवा कर रहे हैं, उदाहरण देती है गोपियां उनको दोनों अंगुल को ऊपर रखते हैं, जैसे कि राजा किसी डल्लभ गति को ऊपर सोता है, फिर ऐसे अंगुल चलाते हैं, बोले अंगुल नहीं जैसे राजा महाराज के चरण दबाते हैं, ये बंसुरी नहीं ये राजा है, ये अंगुल नहीं इनका चरण दबाते हैं, जैसे उनको ऊपर छत्र धारण करते हैं, कानों में कृष्ण का कुंडल है, कुंडल ऐसे होता है, ये कुंडल नहीं उसको ऊपर में छतरी धारण की और आंखों का पलक जल रही है, पलक नहीं जैसे राजा महाराज भावा करते, देखो ये बंसुरी की भगवान कितने सौभाग्य प्रदान करते हैं, इसलिए राधा रानी बंसुरी का अपना सौ तो समझती है, ये राधा रानी की जिनता है, इसलिए बोले रंध्रान वेणुरधर सुधया वृंदारण्यम सुभद रमणम प्राविशस्तत गीत कीर्ति, यदि वृंदावन धाम कितने महिमा है, क्योंकि कृष्ण वृंदावन में नंगे पैर भी सर्वत्र गया चले, इसलिए भगवान का चरण स्पर्श पा करके वृंदावन तो धन्य हो गई, यदि जो घास नहीं जिसे प्रेम में हमारे रोगट हो जाते हैं, बल्कि झरना नहीं जिसे प्रेम से आंखों से आंसू भी झरी रहती है, ये वृंदावन धाम कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके जीवन को धन्य धन्य मान रहेगी, और कृष्ण जब सखाओं को साथ में चलते हैं सारे सखा तो कन्हैया की जयकार देते हैं, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, इन्होंने पहला चले भी ये पहला
पहला श्लोक सिखा दिया। सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्म ज्ञानी, वो पूरा ब्रह्म का निराकार निर्विशेष, कोई रूप गुण है नहीं, वो तो निराकार ज्योति को ध्यान कर रहे थे। इतने में जब श्री पहला चेला ने ये श्लोक को बोल दिया, जब सुखदेव गोस्वामी को कानों में पड़ा ना, उनने सारे ब्रह्म ज्ञान ज्ञान को त्याग दे करके निकल करके आ गए। अरे भैया ये श्लोक तुम्हें मिला कहाँ से, इतने सुंदर कोई है चले तुम्हें? बोले हमारे गुरुदेव ने ये श्लोक पढ़ा है। और गुरुदेव ने कहा हमारा एक तोता कहीं चला गया। हमने कहा तोता कैसे? बोले ये श्लोक सुन करके जो अपनी आप पकड़ में आएगा वो मेरा तोता। बोले मैं वही तोता, मैं वही तोता। तब उन्होंने प्रश्न किया, देखो वो तो देखने में बड़े सुंदर है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, जैसे आप किसी लड़की को किससे शादी करवाना चाहते हो, देना चाहते हो, सबसे पहले क्या देखने को बताओ? जिस लड़के को साथ में शादी करोगे वो देखने में कैसे, उसका पर्सनालिटी देखो, ये लड़का देखने में कैसे। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर शादी करना है ना, भक्ति करना, तो किसको करो? कृष्ण के आपके बिहारी और किसी को नहीं। इसमें ये उदाहरण दे रहे हैं, देखने में कृष्ण कैसे, उनके जैसे बराबर जगत में कोई सुंदर नहीं। इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को कहते हैं, बोले कृष्ण तू यदि बहुत लाली गला कट जाती कर, अच्छा हो गया तेरे को परमात्मा ने लाला नहीं लाली नहीं बोला करके लाला बना दिया। अगर तू लाली होता है ना, तू इतने सुंदर हो, तेरे को पाने के लिए पता नहीं सारा दुनिया भर जाती, इतने सुंदर हो कृष्ण। इसलिए कृष्ण सबसे सुंदर कृष्ण है, हैं? इसलिए पहला। फिर दूसरा चीज क्या देखोगे? फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी पूछा, वो तो देखने में बड़े सुंदर, ठीक है अच्छी बात है, भैया रहते हैं कहाँ पर, घर कहाँ पर है? दूसरा चेला फिर दूसरा श्लोक बोल दिया, बोले जय तीर्थ का जय मना बच्चों को खून पीते थी, तीसरी नंबर है कभी ये
कृष्ण के लिए जहर लेकर के आई थी, 14 नंबर ये रख, ये स्वयं राक्षसी पुतना, बच्चों को खून पीने वाली, उसके अंदर में सारे अपगुण हैं, लेकिन हमारे कृष्ण इतने दयालु, बोले गुणा अपगुणा प्रभु देखो ना कामो कृपा मय अति निधन सदा। भगवान की नजर तो किसी अपगुणों पर पड़ता नहीं, उसने जो एक नाटक माँ की नाटक की, भगवान उसको गोलक वृंदावन उन्होंने दे दिया, किसी को पुतना जैसे दुष्ट राक्षस उन्होंने गोलक वृंदावन उन्होंने स्थान दे दिया। जब सुखदेव गोस्वामी इतना सुने तो पागल हो गए, फिर तो हाथ उठा करके बोले कम बात दयालु शरणम व्रज मा, ऐसे कृष्ण का छोड़ कर इसको मुक्त कर। देखो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते भैया इधर उधर देवादेवी का चक्कर में मत फंसा कर मना करते, क्योंकि अगर कोई देवादेवी की भक्ति कर रहे हो, अगर तुम्हारी भक्ति में थोड़ी सी उल्टा फुल्टा हो गई, लेना का देना मिल जाएगा, पूरा संपूर्ण उल्टा लिया सुना होगा, लेकिन कृष्ण भक्ति में कभी उल्टा फुल्टा होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, भले ही तुम्हारी अपवित्र सब है लेकिन तुम्हारी मन शुद्ध है। हाँ? अगर तुम्हारा मन अच्छा है ना, भगवान केवल प्रेम की भूखे हैं, इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सजाई, भगवान केवल प्रेम को देखते हैं और कोई चीज को देखते नहीं, इसलिए भक्ति करना तो मना कर देते हैं, इधर उधर पूजा मत किया करो, क्योंकि भगवान है हमारी माँ। उदाहरण दिया, जैसे बच्चा अगर मैया की गोद में टाटी पे साफ करता, मैया फेंक देती नहीं, उसको साफ सुथरा करते, बोले की वो माँ है, उसी तरह हमारा जो माँ कौन है, बोले तुम्हें ही वो माता च पिता, भगवान कृष्ण हमारा पिता माता, इसलिए अगर भक्ति करते हुए कोई उल्टा पुल्टा होगा वो पिता माता है, वो हमारे अपराध नहीं ले, लेकिन दूसरे देवादेवी उनसे तुम्हारे कोई मतलब है ही नहीं, वो तुम्हारे कुछ भी नहीं लगते, इसलिए आप देखना पुराण पढ़कर देखते तो रावण किसको भक्ति करता था, रावण को, शंकर जी को, उन्होंने बचाया नहीं, क्यों नहीं बचाया उनको, इसलिए कोई देवी को कोई शंकर जी के द्वारा राम लास्ट में देखना सब सत्यानाश, उन्होंने कोई बचाया नहीं, कोई बचाया नहीं उनको लास्ट में, लेकिन देखो जो कृष्ण राम की भक्ति किए, भले ही किसी कुल में भले ही कहीं से आ गए, फिर ठाकुर जी उनका अपना नहीं, उनको भक्तों का कभी विनाश नहीं होते हैं। सुखदेव गोस्वामी दौड़ते हुए आए, व्यास देखो पूरी भागवत कथा उनको सुना दी, है कहते कथा की ये वक्ता है, बोले श्रोता कौन है, श्रोता भी साधारण नहीं, वक्ता जिसने ऊंचा है ना, श्रोता भी उतनी ऊंचा है, बोले श्रोता कौन, बोले परीक्षित महाराज, बोले परीक्षित महाराज कौन है, बोले जब ये मातृ गर्भ थे, माई वाले माई का सांड को ये बड़ा मोटा है पतला गर्भ था, इसलिए श्री परीक्षित महाराज जब श्री मातृ गर्भ में थे, हैं परीक्षित महाराज जिस समय अस्वस्थ माने उनको ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया मारने के लिए, बल्कि पांडवों को मैंने निर्भत्स बना दूंगा, पांडव का नाम जगत में नहीं रखूंगा, जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग की उतरा ने कृष्ण शरण में आगे, बोले प्रभु मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में पांडवों का जो धरहर रूप में अंतिम संतान अगर वो मर गया ना, पांडव वंश निर्भत्स हो जाएगा, उनको पिंड देने के लिए भी नहीं रहेगा, इसलिए आप मेरे को आपका चरण में शरणागत बचाओ, भगवान गर्भ में प्रवेश किया और गदा धुआं धुआं करके ब्रह्मास्त्र का तेज निस्तेज किया और उनको दर्शन दिया। अब जब परीक्षित महाराज जब जन्म हुए, उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया था, सबको परीक्षा कर रहे थे, वो काले काले मुरली वाले थे, ये सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित नाम पड़ा, इसलिए जिन्होंने मातृ गर्भ में भगवत दर्शन किया, परीक्षित महाराज की। इसलिए कृष्ण जब जब द्वारका जाने के लिए तैयारी होते थे, पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाते थे, एक दिन कृष्ण बोले मेरे को जाना ही पड़ेगा, तब श्री युधिष्ठिर अर्जुन को बोले जाओ कृष्ण को द्वारका में पहुंचा करके आ जाओ, लेकिन हो गया 7 महीना अभी अर्जुन वापस नहीं आ रहा, उसको बोले ठीक है, इसलिए वो वापस नहीं आ रहा है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज इतने अपशगुन इतने अपशगुन देख रहे थे, उनकी बांह आग फड़क रहा था, बांह भाव फड़क रहा था, बांह प्यार फड़क रहा था, सारे अपगुण देख रहे थे, इतने में देखा अर्जुन का आते हुए, और उन्होंने एक दिन पहले क्या देखा, ठीक एक दिन पहले बड़े अनुमानी, बोले क्या अनुमानी देखा, बोले दो किसान लड़ते लड़ते आए,
बोले लड़ाई का विषय क्या था? बोले एक किसान ने दूसरे किसान को जमीन बेचा। जब वो दूसरा किसान खेती कर रहा था, वो सोने की एक कलसी निकली और उसने वो कलसी लेकर के जिसने बेचा था उसको देने के लिए आग्रह, देख तूने खेती को बेचा लेकिन ये कलसी नहीं मिला, ये तू ले ले। लेकिन जिसने बेचा था बोले भैया जब मैंने बेच दिया जो कुछ तेरा है तू मेरे क्यों दे रहे? देखो वो सोने की कलसी को कोई लेने के लिए तैयार नहीं। लड़ते लड़ते आए युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखो ये बात को मैं कल विचार करूंगा, कल आना। फिर दूसरे दिन क्या हुआ? फिर दोनों लड़ते लड़ते आए। बोले लड़ाई का विषय किया, जिसने जमीनी बेचा था तेरे तेरे को मैंने जमीनी बेचा था, सोने की कलसी नहीं बेचा, ये कलसी मुझे दे दी। जिसको बेचा था बोले तुमने जो बेच दिया जो कुछ निकलेगा मेरा। परीक्षित महाराज आश्चर्य में बोली क्या कल तो इसको कोई लेना नहीं चाह रहे थे, आज कोई देना नहीं चाह रहे। वो समझ गए काल में काला है। क्यों? ठीक एक दिन पहले कृष्ण थे और उसी दिन कृष्ण ये संसार छोड़कर चले गए। जब भगवान कृष्ण चले गए द्वापर युग के बाद में कलयुग आ गया। ये कलयुग आने पर ये कलि की वो समझ गए ये कलयुग आ गया है, इसलिए कोई छोड़ना नहीं चाह रहे। ये कलयुग जहाँ पर कलह लड़ाई झगड़ा है, हैं? वो समझ गए। इतने में अर्जुन आया तो देखा सचमुच से कृष्ण दुनिया छोड़ करके चले गए। जब माता कुंती को ये बात पता चला, कुंती भी शरीर त्याग दी। पांडवों ने परीक्षित महाराज को सिंहासन में बैठाए और बैठा करके वो भी दुनिया को छोड़ दिए। जब छोड़ दिए एक दिन परीक्षित महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे, बोले कहाँ पर अपशकुन? भ्रमण करते करते एक आश्चर्य घटना देखा। बोले क्या देखा? बोले एक बैल है जिसका तीन पैर नहीं, वो एक पैर में खड़ा है। एक शूद्र राजा वो एक पैर को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है और देखा एक गैया बड़ी दुखी होकर के बिलग बिलग करके रो रही है। परीक्षित महाराज को आक्रोश आया, बोले ये क्या चीज मैं देख रहा हूँ? तब उन्होंने गैया को पूछे देवी आप कौन हो, क्यों रो रहे हो? बोले मैं स्वयं पृथ्वी। बोले रो रही क्यों? बोले कृष्ण चले गए, अब ये कलयुग आएगा, कलयुग में लोग बड़ा पाप कर्म करेंगे, अब ये पाप में सहन कैसे करूं, इसलिए मैं रो रही हूँ। अभी जो जिसका तीन प्यार नहीं, बोले तू कौन है? बोले मैं धर्म हूँ। बोले तुम्हारे क्या दुख? उसने कहा मैं क्या बताऊं, कोई किसको दुख देने वाला नहीं है। जीव जो कर्म करता है वो कर्म का फल जीव भोग करता है, इसलिए कभी किसको पर कभी दोष नहीं देनी चाहिए। हमने जैसे बीज बोया, अगर नीम का बीज बोएगा तो नीम वृक्ष आएगा, अगर हम चिकू का बीज बोएगा तो चिकू वृक्ष आएगा, इसलिए कभी किसी को दोष नहीं लगानी चाहिए। वो कहता है मैं किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ, जीव अपना कर्म का फल भोग रहा है। परीक्षित महाराज समझ गए कि धर्म है, क्योंकि जो धर्म है वो कभी किसकी दोष नहीं देता, किसकी चुगली किसकी निंदा नहीं करता। देखो जब हम किसकी चुगली निंदा करते हैं ना, उसको सारी चुगली जिसका करेंगे निंदा करेंगे उसका सारे जो पाप है ना वो जो करने वाले को भरना करेंगे। जब आप एक छोटी कहानी सुनिए, एक समय एक साधु किसी राज दरबार में भिक्षा लेने के लिए आए, लेकिन सचमुच से वो संत नहीं, भजन करने वाले। राजा ने कहा तू काम कर खा नहीं सकते, भीख मांगने के लिए आ गए, लो भीख। उसने क्या किया, जो घोड़े का जो लीड था ना उसने उसको झोली में घोड़े का लीड दे दिया। वो संत है वो उसको लेकर सुखी होकर चला गया। राजा एक दिन भ्रमण करते करते वो संतों का आश्रम पर पहुंचा, उसने देखा घोड़े का जो लीड था ना विशाल पर्वत रूप था। बोले ये क्या है, घोड़े का लीड पर्वत आकार में? देखा वो साधु बोले बाबा ये क्या? बोले महाराज आपको याद है मैंने कभी आपका घर में भिक्षा लेने आया था, आपने क्या दिया था? घोड़े का लीड दिया था ना। जब किसी शुद्ध साधु को अगर कोई चीज देते हो वो कभी घटती नहीं, वो बढ़ती है। बोले कैसे बढ़ती? बोले राम बाण जैसे। उदाहरण दिया, राम जब किसी बाण को पकड़ते हैं वो एक गुण होता है, वो जब निकालते हैं वो 10 होता है, जब चढ़ाते हैं वो 100 होता है, जब खींचते हैं होता है 1000, जब मारते हैं होता है करोड़, और जब प्रहार करता है प्राण को ले लेता है। क्या तुमने जब साधु को कोई चीज तो बढ़ेगा ना, घटेगी तो है नहीं, इसलिए एक दिन ये लीड इतने बढ़ेगा तेरे देश में
ये घोड़े का लीड के सिवाय और कुछ रह नहीं जाएगा। डर गया, बोले बाबा अब चरणों के लिए पड़ा। बोले बाबा अभी क्या होगा, मेरे तो अपराध हो गई, चरण बड़े रोने लग गए। बोले देखो एक उपाय है। बोले बताओ क्या। बोले अगर तेरे कोई निंदा चुगली करे, फिर तेरे जो पाप है ना वो जो चुगली करेगा उसके ऊपर भी कई सारे पाप चल जाएगा, फिर तुम मुक्त हो सकते हो। बोले बाबा बताओ क्या। बोले एक काम करो, तुम्हारे घर में एक बेटी जो जवान है, तुम्हारे सामने जो एक बगीचा है सुंदर, तुम अपना बेटी को लेकर के वो बगीचा में रहो अकेला। अभी सारा दुनिया देखेगा राजा अपना जवानी बेटी को लेकर के अकेला रहता है, फिर क्या करेगा, वो निंदा करेगा, पूरा राज्य में निंदा करेंगे। जब निंदा करेंगे तुम्हारे जो पाप है ना सारे प्रजा में बढ़ जाएगा, फिर तुम ये सारे निंदा से सारे पाप से मुक्त हो जाओगे, उंगली भी खत्म हो जाएगा। उसने ठीक वैसे ही किया। वैसे किया तो जब एक दिन आया आश्रम में, देखा सारे लिंग, लेकिन एक टोकरी बाकी है। बोले बाबा ये एक टोकरी कैसे रह गया, सारे का खत्म हो गया। बोले देख तेरे राज्य में सब लोग तो तेरे चुगली की, पूरा राज्य राज्य में राजा कितने भंड बदमाशी देखो क्या कर रहा है, सबके सब निंदा की, लेकिन तेरे राज्य में ना एक बूढ़ी माता जी किसी की भी कभी चुगली नहीं करती, कभी किसकी निंदा नहीं करती, तीन बार माला लेकर के बोलो हरे कृष्णा जो जो बोलो कृष्णा हरे हरे राजा ने जा करके बोला जब माता जी तुमने सुनी हो ना क्या बात है। बोले वो राजा जी कितने गलती काम किया, मतलब वो चाह रहा था बोलना और राजा की निंदा कर ले, फिर तो मेरी इसकी हिस्सा भी खत्म हो जाएगी। और वो साधु ने कहा अगर ये बुढ़िया निंदा नहीं करेगी ना तो एक टोकरी जो लीक बच गई तेरे को खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा तेरे को, फिर तो जाकर खत्म नहीं तो खत्म होने वाली है। इसलिए राजा किसी तरह से उससे चुगली करवाना चाहते, बोले सुनी सुनी हो ये राजा कितने बदमाशी अपना बेटी को लेकर के अगला रहता है, इतना बोलते ही वो बूढ़ी माता जी तो बिगड़ गए। राजा मैं भजन करता हूँ हर समय, इसलिए मैं भजन की शक्ति से मैं सब जानती हूँ। जब उसकी वो संत तुम्हारे घर में आया था, तुमने उसको झोली में घोड़े का लीड दिया था ना, वो जो एक टोकरी बच गया था तेरे को खाना पड़ेगा। मैं किसी की निंदा चर्चा कभी नहीं करती हूँ। इसलिए चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले कहारे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सहित ताली बजाए। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे बोले अजय चैतन्य मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु को पाना बहुत ही कठिन है। अजय मतलब जिनको जितना बड़ा कठिन है, लेकिन वो भगवान को कौन पा सकते, उसको सूत्र कह रहे हैं बोले कहारे ना करे निंदा, जो किसी की निंदा चुगली कभी नहीं करता है, और कृष्णा कृष्णा बोले दिन रात भगवान की भक्ति करता है। बोले अजय चैतन्य से ही तारीवे कहले, जिस महाप्रभु को बना बड़ा कठिन है, वो कठिन होने पर भी उनको तुम प्राप्त करो अगर किसी की निंदा नहीं करो, निंदा जैसे पाप जगत को कुछ है। इसलिए जब उन्होंने धर्म को प्रश्न की, बोले तेरी ये अवस्था कैसे हो गई, बोले मैं नहीं बता सकता, जी मैं अपना कर्म फल भोग करता है, मैं किसी की चुगली नहीं करता, समझ गए ये धर्म है। फिर सिपाही जी महाराज को क्रोध आया, कली के ऊपर में तलवार लेकर बोले भाग जा मेरे देश से, मैं तो जान से खत्म कर दूंगा, बिल्कुल कहाँ जा, अभी संपूर्ण पृथ्वी में आपका राजत्व है, जहाँ जाऊंगा आपका राज्य के बाहर कुछ है ही नहीं। जब सत्य त्रेता द्वापर ने राजत्व की है, आप मुझे विस्तार दे दो। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कली में दोष क्या और गौण किया, तो जब भी कली में दोष ही दोष है, पाप ही पाप है, लेकिन कली युग में एक गुण है। बोले क्या गुण है,
बड़े काली जोग के बलना आधारा, काली जोग के ब्रह्मा का एक दिन में हर तृतीया में प्रभु राम नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, और हर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। बोले तब आते हैं, बोले ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा? बोले 1000 चतुर्युग है, 1000 चतुर्युग को बाद में एक बार कृष्ण महाप्रभु आते हैं। इसलिए जब 1000 चतुर्युग बीत जाती है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं ना, तो उन्होंने क्या प्रदान करते हैं? बोले जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर नारद और उद्धव जो प्रेम के लिए तरसते हैं, वो प्रेम को कलयुग में उन्होंने आसानी से वो प्रेम को प्रदान करते हैं। इसलिए एकादश स्कंध में बताया कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते, क्योंकि कलयुग है झगड़ा का युग है, बड़ा दुख कष्टमय युग है, इसमें कोई जन्म लेना नहीं चाहते। लेकिन ये जो कलयुग है, बोले ये कलयुग में देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते, बोले प्रभु अगर हमें जन्म लेना तो इसी कलयुग में जन्म लेना। देवता नहीं, कहते सत्य त्रेत्या द्वापर युग। सत्य युग मतलब कृत युग है, जिस युग में धर्म चार चरण में रहता है। त्रेत्या युग कहते ना, त्रेत्या युग राम राज्य है, जहाँ पर आध्यात्मिक आध्यात्मिक आदि लोग कोई सारे सुखी है। और द्वापर युग में कृष्ण पूर्ण ब्रह्मा है, धर्म चार चरण में रहता था, मतलब ये तीन युग ना बहुत बढ़िया युग था। लेकिन ये तीन युग का जो लोग है, ये कलयुग में जन्म लेना चाहते थे। क्यों कलयुग में? क्यों? कारण है ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु, और ये चैतन्य महाप्रभु इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर बड़ा सुंदर कीर्तन लिखते हैं। देखो बल्ला कीर्तन है, बोले ए मन गौरांग बिना नहीं यार, ए मन गौरांग नहीं यार, कुछ उल्टा पुल्टा क्या उठाया चक्र खत्म, लेकिन महाप्रभु का अवतार में
जगह में आते हैं तो बड़े पापी भी होता है यहाँ पर। हाँ भले तुमने कलसी मार कर सर फोड़ दिया फोड़ दिया फोड़ दिया, इसलिए क्या तेरे को प्रेम नहीं दूंगा। एक बार केवल हाथ उठा करके बोले श्री सचिन नंदन गौर हरी, बस एक बार केवल श्री महाप्रभु का नाम लो, हम तुमको प्रेम प्रदान करें। सर फोड़ने पर भी तुमने प्रेम किया, इतने दयालु। कहते कौन सा प्रेम, छोटे बड़े प्रेम नहीं, बोले जो प्रेम के लिए ब्रह्मा पत्थर बनने के लिए चाहते हैं, जिस प्रेम के लिए उद्धव घास बनना चाहते हैं, जिस प्रेम के लिए शंकर जी गोभी बन करके आते हैं, जिस प्रेम के लिए लक्ष्मी तपस्या कर रहे हैं, वो दुर्लभ प्रेम को उन्होंने सारे जीवों को प्रदान किया। कोई उन्होंने विचार नहीं किया, ये भी छोटे छोटे कोई विचार नहीं करे, उन्होंने सबको वो प्रेम को दिया। इसलिए श्री परिकेत महाराज ने देखा भैया ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं, ये धन्य कलयुग है। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के सबको प्रेम प्रदान कर, इसलिए उन्होंने कलि का स्थान दे दिया। मैं तो आ जाओ तो आ जाओ, जितने भी बहुत सारे पाप है उसमें पुण्य भी बहुत है, इसलिए पुण्य भी बहुत है। उन्होंने कलयुग का चार जगह पर स्थान दे दिया। अगर कलयुग में केवल चार नियम पालन कर लो, पास थोड़ी सी बात है, एकदम पास कल्याण हो जाएगी। केवल चार नियम, ज्यादा कुछ नहीं। उदाहरण दिया, जैसे कोई बीमारी, अच्छे कोई डॉक्टर के पास में जाओ, अगर सचमुच से वो बीमारी सही करना चाहता है ना, बोलेगा भैया दवा तो बहुत बढ़िया दूंगा, लेकिन परहेज को साथ में दवा लोगे जल्दी बीमारी सही हो जाएगी तुम्हारी, है। इसलिए चार परहेज है। बोले पहला नंबर, बोले धूतम, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण सत्य उसमें समाप्त हो जाती है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज दिखाया, देखो मैं साक्षात धर्म स्वरूप हूँ, लेकिन ये जुआ खेल कर कितने सत्यानाश होगा। और राज्य भाई गए, पत्नी को भरी सभा में विवस्त्र रहना पड़ा, और 12 साल तक जंगल में और 1 साल तक अज्ञातवास में बड़ा दुख कष्ट उठाया। इसलिए खबरदार कभी जुआ मत खेला कर, मना कर दिया। अगर इतनी दुर्दशा भोगना तो मेरे जुआ में हाथ लगा, नहीं तो मत लगा हाथ लगा। दूसरा बोले पानम, किसी तरह का कोई नशीली वस्तु मत लिया करो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। धर्म का दूसरा चरण है तपस्या, इसको लेने से जीव तपस्या नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर स्त्री, बोले स्त्रियों के ऊपर में कलि का प्रभाव। बोले कौन सा स्त्री, बोले वह स्त्री संसार करो, शादी करके अपना पत्नी पत्नी पति पत्नी को लेकर संसार करो, अपना घर गृहस्थी पति पत्नी को लेकर करो, लेकिन बगैर पति पत्नी के जो बॉय फ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, शास्त्र इसको मना कर दिया है। इसमें कलि का निवास, यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो तीसरा स्थान है बोले जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज और लहसुन ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए, इसको लेने से हृदय से दया समाप्त हो जाती है। इसलिए लेकिन जब कलयुग को ये चार जगह दे दिया, तभी कलयुग खुश नहीं, बोले कहाँ कौन शराब पी रहा है, कौन वेश्या घर में जा रहा है, कौन जुआ खेल रहा है, ये कहाँ कहाँ ढूंढू, मेरे को ऐसे ऐसे स्थान दे दो जहाँ मुझे सौ मिल जाए। फिर उन्होंने सुवर्ण नहीं दिया, मतलब पैसा नहीं दिया, फिर पैसा तो लक्ष्मी है। फिर महाप्रज्ञ से, महाप्रज्ञ से कलि का स्थान है, हैं। इसलिए आप देखना लक्ष्मी की दो बहन है, एक उल्लू और एक बरू। मैंने पहले बताया था उल्लू अकेली, उल्लू के ऊपर में अकेली लक्ष्मी बैठती है। लक्ष्मी जब घर में बुलाए तो भोग करने के लिए उसकी, फिर वो उल्लू के ऊपर बैठ कर उल्लू बनाता है। लेकिन जब उनको कृष्ण सेवा के लिए बुलाएंगे, आओ कृष्ण सेवा के लिए, फिर गौरव के ऊपर बैठ करके आएगी, फिर हमारे घर को वैकुंठ बना दिया है। इसलिए ये पैसा में सारे अनर्थ। अब अक्सर करके देखना, जिसको पास में ज्यादा पैसा है ना, जितने कलि का स्थान है, जुआ कौन खेलेगा बता, ज्यादा पैसा, शराब जो पिएगा ज्यादा पैसा, वैसा घर में कौन जाएगा पैसा, पर जिसको घर मांस मदिरा कौन दे ज्यादा पैसा। इसलिए सारे ये पैसा में सारे दोष है, लेकिन पैसा तो लक्ष्मी है, पैसा तो लक्ष्मी, अब मूल लक्ष्मी का आधार है, पर कली का निवास लक्ष्मी के ऊपर में जो ये पैसा को अपव्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन जो पैसा को भगवान की भक्तों का सेवा में लगाना चाहती हैं, तो नहीं, वो तो साक्षात वो घर को वैकुंठ बना देती है, घर को वृंदावन धाम बना देती है। जो पैसा को ठाकुर जी को सेवा में लगाते हैं, वो कली नहीं, वहाँ पर राधा जी का निवास होता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कथा में विश्राम देते हैं।
कल भगवान कृष्ण चौथा दिन में भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, कल कृष्ण जन्म लेंगे, ठीक है ना। आप कृष्ण जन्म लेंगे तो जब मैया यशोदा गर्भ में कृष्ण आ गए ना, जितने गोपियां थी वो सबके सब छह छह महीना पहले ही 84 गज लहंगा बना करके बोले कृष्ण जन्म लेंगे, तो हम इसको पहन करके कृष्ण को बधाई देने के लिए जाएंगे, हैं। इसलिए कल आप लोग भी सबके सब पीले रंग की साड़ी पहन के जाना, ठीक है ना। कौन सा रंग की, अगर नहीं हो तो इसे उधार कर दिया मैं पीला ही पहन के जाना। बोले पीला रंग की कहना जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, Oh, yeah.